सब्सक्राइब कीजिए WWE न्यूज हिंदी चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और WWE की अपडेट्स पाएं सबसे पहले। WWE लाइव 205 के सुपरस्टार नेविल्स के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे कंपनी को छोड़कर जा सकते हैं। 9 अक्टूबर को हुई रो के एपिसोड में क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए एंजो अमोरे के साथ मैच में WWE ने नेविल्स की जगह कलिस्टो को डाल दिया। इस बात से नेविल्स काफ़ी नाराज थे और रो के एपिसोड से वॉकआउट कर गए थे। इस मैच में कलिस्टो ने एंजो को हराकर किंग ऑफ क्रूजरवेट बन गए थे। अब WWE TLC में एंजो अमोरे को फिर से क्रूजरवेट चैंपियनशिप जीतने का मौका दिया। 22 अक्टूबर को होने वाले PBV TLC में एंजो और कलिस्टो के बीच क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। नेविल्स 2012 से WWE से जुड़े हुए हैं और WWE ऐसे सुपरस्टार को इस तरह से कंपनी को छोड़ने नहीं देगी। नेक्स्ट अपडेट है शील्ड के थीम सॉन्ग के बारे में। पिछले हफ्ते द शील्ड का रीयूनियन हो गया और शील्ड का ज़बरदस्त रिवेंज देखने को मिला, लेकिन शील्ड की एंट्री पुरानी थीम सॉन्ग पर नहीं हुई बल्कि रोमन रेंज की थीम सॉन्ग पर हुई। इसके बाद CFO का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने द शील्ड के बारे में लिखा। CFO WWE सुपरस्टार्स के थीम म्यूजिक को बनाती है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शील्ड को जल्द ही नया थीम म्यूजिक मिलने वाला है, लेकिन शील्ड के फैंस चाहते हैं कि WWE शील्ड के पुराने थीम सॉन्ग से छेड़छाड़ ना करे। इसको लेकर फैंस की ट्विटर पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। अगली अपडेट है WWE लाइव 205 के पिछले शो में पूर्व क्रूजरवेट चैंपियन अकिरा टोजावा को हाथ की इंजरी हो गई। ड्रू गुलक ने अकिरा टोजावा पर जबरदस्त अटैक किया था जिससे टोजावा को हाथ में इंजरी हो गई थी। WWE ने भी इस बात को कन्फर्म किया है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।